गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, फरीदाबाद। टुडे वी विल डिस्कस एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा इंक्लूड थ्री स्ट्रक्चर्स, मेनली फोर स्ट्रक्चर्स। वन इज प्रोटोनेफ्रिडिया, अदर इज हेडस्टैक नेफ्रिडियम, थर्ड इज ब्राउन फनल्स एंड फोर्थ इज रीनल पैपिली। द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर फिल्ट्रेशन नेफ्रिडिया और प्रोटोनेफ्रिडिया। दीज इंक्लूड सेवरल पेयर नेफ्रिडिया एंड वन मीडियन हेडस्टैक नेफ्रिडियम। एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके अंदर जो होते हैं वो होते हैं ब्राउन फनल एंड रीनल पैपिली। तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसके फिल्ट्रेशन नेफ्रिडिया हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी बोलते हैं। और सेकेंड वन है जो हेडस्टैक नेफ्रिडियम, वो मीडियन होता है। एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं ब्राउन फनल एंड रीनल पैपिली। पेयर नेफ्रिडिया, जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, देयर आर 90 पेयर नंबर पेयर होते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। दीज आर सेगमेंटली अरेंज ओवर दी डोर्सोलेटरल वॉल ऑफ फैरिंक्स। फैरिंक्स की जो डोर्सोलेटरल वॉल होती है उसके ऊपर 90 पेयर्स नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, जो सेगमेंटली अरेंज होते हैं, ठीक है। और हर एक जो नेफ्रिडियम होता है स्मॉल होता है, थिन वॉल ट्यूब होती है जो राइट एंगल पर बेंड होती है। इसका एक दो होता है वर्टिकल लिम्ब और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लिम्ब। इसका जो वर्टिकल लिम्ब होता है वो एंटीरियर लॉन्ग लिम्ब जो होता है उसे एंटीरियर लिम्ब बोलते हैं, वर्टिकल लिम्ब बोलते हैं। और जो शॉर्ट पोस्टीरियर लिम्ब जो होता है वो उसका हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है। ये वाला यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दो लिम्ब दिख रहे हैं आपको इसको, एक तो ये वाला पोस्टीरियर लिम्ब है इसका और दूसरा क्या होता है इसका एंटीरियर लिम्ब होता है। ये वाला देखो यहाँ पर, ये वर्टिकल लिम्ब है, दिस इज वर्टिकल लिम्ब एंड दिस इज पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लिम्ब जो होता है ये एंटीरियर लिम्ब है इसका वर्टिकल लिम्ब, और ये दूसरा वाला ये है इसका पोस्टीरियर लिम्ब और ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब होता है। दो लिम्ब होते हैं इसके, और इसके अंदर एंटीरियर जो लिम्ब 90 से 100 लेकर सेगमेंटल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ये वाले जो यहाँ पर इसके ब्रांचेस पर वर्टिकल लिम्ब पर भी और हॉरिजॉन्टल लिम्ब पर भी क्या प्रेजेंट होती हैं, एल शेप्ड इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, ये यहाँ पर ये सोलेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और हर एक जो नेफ्रिडिया होता है उसमें अबाउट 500 सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, और सोलेनोसाइट्स जो होती हैं इन ए सिंगल नेफ्रिडियम अबाउट 500, और उसकी जो लेंथ होती है वो अबाउट 550 माइक्रोमीटर होती है। और सोलेनोसाइट जो होती हैं उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और ये यहाँ पर यू कैन सी हेयर, ये जो सोलेनोसाइट्स हैं इसके अंदर सोलेनोसाइट्स 500 सोलेनोसाइट होती हैं। और सोलेनोसाइट का एक ऊपर जो अपर एंड होता है, सब राउंडेड जो एंड होता है उसको बोलते हैं सेल बॉडी, और दूसरा जो लॉन्ग पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। ये वाला देखो इसका सब राउंडेड हेड है यहाँ पर, ये सब राउंडेड जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेल बॉडी, और ये वाला इसका जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल है इसका, ये यहाँ पर ये ट्यूब्यूल है, और इसका जो ऊपर वाला सब राउंडेड ये पार्ट है, ये राउंडेड जो पार्ट होता है क्या होता है इसका, ये इसका होता है सेल बॉडी, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं इसके, सेल बॉडी एंड ट्यूब्यूल। और टिनी जो न्यूक्लिएटेड जो इसका जो सेल बॉडी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, और उसके अंदर एक हेलो स्टॉक ट्यूब्यूल ये जो हमारा ये ट्यूब्यूल ये प्रेजेंट होता है। ये इनके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं ये रिचली सप्लाइड होते हैं विद दी ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। और ये जो सारी सोलेनोसाइट्स हैं दीज आर प्रोजेक्टेड इन टू दी एट्रियम, ठीक है, जो इसका सीलोमिक फ्लूड में वहाँ पर प्रोजेक्ट होते हैं, और ये यहाँ से अपना जो जितना भी फ्लूड है उसको कहाँ ले जाते हैं, एट्रियम में। तो इनसे जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है वो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से होती है, और इनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं वो सोलेनोसाइट से ब्लड में डिस्चार्ज होते हैं बाय नेफ्रिडिया पोर्स। और ये वाला जो यहाँ पर देखो इसके जो पोस्टियर लिम्ब है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है नेफ्रिडिया पोर, और नेफ्रिडिया पोर के थ्रू ये क्या हो जाते हैं, जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट हैं इनटू द एट्रियम डिस्चार्ज हो जाते हैं, और एट्रियम से फिर वो एट्रियोपोर के थ्रू रिलीज कर दिए जाते हैं टू द आउटसाइड इन द आउटगोइंग वाटर करंट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है इसका हेडस्टैक नेफ्रिडियम, एक सिंगल लार्ज नेफ्रिडियम प्रेजेंट होता है यहाँ पर देखो, ये हेडस्टैक नेफ्रिडियम प्रेजेंट होता है, ये यू कैन सी हेयर दिस इज हेडस्टैक पिट, ये हेडस्टैक पिट है यहाँ पर, ठीक है। तो हेडस्टैक पिट ये यहाँ पर ये वाला हेडस्टैक पिट है, और ये वाला जो
नेफ्रिडियम होता है, हेडस्टक नेफ्रिडियम ओपन होता है टू दी, एक इसमें कैविटी प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं हेडस्टक पिट। हेडस्टक नेफ्रिडियम जो होता है सिंगल होता है और मीडियन होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, अबव द रूफ ऑफ दी, रूफ ऑफ दी फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स की रूफ के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होती हैं, लेफ्ट डोर्सल, डोर्सोलेटल वेसल के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट जो डोर्सल वेसल होती है, ठीक है, डोर्सल ब्लड वेसल होती है, उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और ये पेयर नेफ्रिडिया के बिल्कुल सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में, जैसे पेयर नेफ्रिडिया होते हैं ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, बट इट इज़ नैरो ट्यूब विच ओपन एट इट्स पोस्टीरियर एंड इनटू द फेरिंक्स जस्ट बिहाइंड द वेलम। यहाँ पर एक वेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वेलम, ये वाला वेलम है जो इस वेलम के पीछे, ये यहाँ पर इसमें ओपन होता है फेरिंक्स में, और इस ये फिर ब्लाइंडली पास करता है इनटू द हेडस्टक पिट। यहाँ पर ये हेडस्टक पिट होता है, इसके अंदर पास करता है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर, ठीक है, और जो नेफ्रिडिया होते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के, वो एक्टोडर्मल होते हैं ओरिजिनल में, और इनके अंदर सेवरल जो सोलेनोसाइट्स होती हैं वो इसकी लेंथ के अलोंग ये रिसीव करता है, और इसका नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो होता है वो इससे एक्सक्रीट होता है। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हैं इसके अंदर, इसके लिए जो सोलेनोसाइट्स तो डिस्कस कर चुके हैं, फिजियोलॉजी कैसे होती है, इसकी फिजियोलॉजी में देखो क्या होता है, मैकेनिज्म इसका जो है एक्सक्रीशन का वो वेल अंडरस्टूड नहीं है। वाटर एंड नाइट्रोजन इज वेस्ट फ्रॉम द ब्लड ऑफ ग्लोमेरुलस, जो इसका पार्ट है, अपर पार्ट है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, आर पास्ड बाय द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से फिट ऑफ दी उसमें पास हो जाते हैं सोलेनोसाइट जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनके अंदर, सोलेनोसाइट सेल जो प्रेजेंट होती हैं वर्टिकल लिम्ब के भी ऊपर भी और हॉरिजॉन्टल लिम्ब के ऊपर भी, ठीक है, और वो वहाँ से सीलोमिक फ्लूइड से प्राइमरी यूरिन फॉर्म कर देती हैं, ठीक है, और इन दी डोर्सल फेरिंजियल सीलोमिक कैनाल। ये जो प्रोसेस होती है इज फैसिलिटेटेड बाय इनकम्प्लीट एंडोथेलियल लाइनिंग, इनकी जो सोलेनोसाइट्स की जो लाइनिंग होती है या उसके जो इनकम्प्लीट एंडोथेलियल लाइनिंग है उसके द्वारा प्रोसीड करती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। प्राइमरी यूरिन इज ड्रावन बाय फ्लैजुलर बीटिंग इनटू द सोलेनोसाइट ट्यूब्यूल, ठीक है, जो फ्लैजुला होते हैं इसके वो फेरिंग्स के वो बीट करते हैं, और वो उसको कहाँ पास करते हैं, सोलेनोसाइट के ट्यूब्यूल में, सोलेनोसाइट के ट्यूब्यूल में इनकी जो स्लिट होती है नीचे, ठीक है, बेस पर, वहाँ से इसमें पास कर देते हैं, और बिटवीन द माइक्रोविल्ला और ये नेफ्रिडिया जो लिम्ब है इसको फाइनल यूरिन में कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी यूरिन को। नेफ्रिडियल जो ट्यूब्यूल होता है इसका सोलेनोसाइट का वो उसको फाइनल यूरिन में कन्वर्ट कर देता है। फाइनल यूरिन इज सेंट इनटू द एट्रियम, और एट्रियम से फिर वो वेस्ट वाटर जो होता है एस्केप हो जाता है वाटर करंट के थ्रू इन दी थ्रू एट्रियोपोर। तो इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है, सो दीज आर अमोनोटैलिक। इनका जो नेफ्रिडिया हैं वो क्या करते हैं, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का भी काम करते हैं। उसके बाद जो एसेसरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं होती हैं ब्राउन फेनल्स, ये क्या होती हैं, ए पेयर ऑफ आउटग्रोथ होती हैं एट्रियम की लाइनिंग पर, एट्रियम जो होता है इसका, ठीक है, उस पर पिगमेंट एपिथिलियम से लाइंड होती हैं, ठीक है, और ये कहाँ लाई करती हैं, डोर्सल टू दी पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरिंक्स, ठीक है, पोस्टीरियर एंड होता है जो फेरिंक्स का उसके डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती हैं। दे कम्युनिकेट विद दी डोर्सल सीलोमिक कैनाल, डोर्सल सीलोमिक कैनाल से कम्युनिकेट करती हैं, और इनके जो ये नैरो एंट्री एंड जो होता है इनका ब्राउन फनल का, ईच फनल ओपन इनटू द एपीब्रैंकियल और डोर्सल सीलोमिक कैनाल, ठीक है, वो वहाँ पर ओपन होता है, वाइल इट्स ब्रॉड पोस्टीरियर एंड जो होता है वो ओपन होता है एट्रियम में, ठीक है। जो ब्राउन फनल होती हैं उसका एंट्री एंड कहाँ पर ओपन होता है, इनटू द एपीब्रैंकियल और डोर्सल सीलोमिक कैनाल, और इसका जो ब्रॉड पोस्टीरियर एंड है वो ओपन होता है एट्रियम में। मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिस्ट कंसीडर दैट ब्राउन फनल टू बी एक्सक्रीटरी, वाइल सम रिगार्ड देम रिसेप्टर ऑर्गन, कुछ उनको रिसेप्टर ऑर्गन की तरह भी मानते हैं, ठीक है। अब रीनल पैपली, लास्ट जो है हमारा रीनल पैपली, ये रीनल पैपली कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑन द फ्लोर ऑफ एट्रियम, ठीक है। न्यूमरस ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, रीनल पैपली, एट द बेस फ्लोर ऑफ द एट्रियम, देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड रीनल पैपली, और इनको हम क्या मानते हैं, एक्सक्रीटरी इन फंक्शन।